रिलोड करो भाई, रिलोड करो। माशाल्लाह सुभान अल्लाह अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है के अंदर। अच्छा यार, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था यार। मैंने अपना नाम चेंज करना है, मेरा राधा जो है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगता है, मतलब काफ़ी मज़े का नाम है और छोटा भी है। जो बड़े नाम होते हैं ना, वो ज़रा थोड़े मुश्किल होते हैं और ईमेल बनाने में भी ना ज़रा मुश्किल आती है। तो इस तरह ना जोको भी इज़ परफेक्ट नेम। तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। ठीक है, तो आते क्लच नहीं है वैसे, ये तो रिवेंज वाला सीन है। ठीक है, शुरू में आप लोगों ने देखा जो हमने जो हमें मारा गया था, एक रिवन की तरफ से, पता नहीं लड़की थी लड़का, तो आप लोग इसके ऊपर रिवेंज ले रहा है भाई। ये उसका पूरा स्क्वाड है यहाँ पे, इनके ना तीन बंदों को तो यहाँ पे मैं नॉक कर लेता हूँ, लेकिन जो रिवन होती है ना वो भाई सब कैंपर होती है। आपको पता नहीं है, लड़कियाँ आजकल बहुत ज़्यादा कैंपिंग पे शुरू हुई है। खैर, इनके यहाँ पे तीन बंदे मैं मार लेता हूँ, जो रिवन होती है ना भाई इतनी ज़्यादा कैंपिंग, और ये एक बेचारा भाई में मर जाता है। जोन के बाहर से आगे गाड़ी ठोक के खुद ही लोबी चला जाता है। तो खैर, यहाँ पे रेवन मेरे एक टीममेट को ना नोक, और अचानक पता नहीं कहाँ से आई, नोक किया और साथ ही उसको फिनिश कर दिया। मेरा टीममेट नंबर फोर उसको मार है, लेकिन फिर भी भाई सब उसने फिनिश करना है। तो खैर, आपका भाई यहाँ भी इनके ऊपर वन मसीज फोर कर देता है। आते अपने नेक्स्ट स्क्वाड वाइप की तरफ, यहाँ पे फाइट हो रही थी तो मैं गाड़ी ठोक देता हूँ। मुझे ये नहीं पता होता कि भाई मेरे घर के बाहर ही बंदे खड़े हुए हैं। अरे मुझे ना यहाँ पे दो बंदों का साउंड आ रहा होता है, लेकिन ना यहाँ पे तीन बंदे होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये भाई ग्रेनेड श्रेनेड करने की ट्राई कर रहा होता है, ये नहीं इसका टीममेट ग्रेनेड कर रहा होता है। तो मैं जल्दी से पुश दे देता हूँ। खैर, ये भाई तो बेचारा गलत ही नोक हो जाता है, हेड शेड पड़ जाते हैं तो नोक हो जाता है। अभी इनका जो तीसरा बंदा होता है ना, वो सामने दरख्त के पीछे आ जाता है। खैर, मुझे तो साउंड आ गया था, उसको शायद पता नहीं चला कि मुझे साउंड आ चुका। मतलब भाई हेडफोन पहने यार, क्या मजाक थोड़ी है, हेडफोन पहने। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता होता पत्थर के पीछे या कहाँ पे, लेकिन आपका भाई क्या कहता है कि मैं ना ग्रेनेड करता हूँ, क्योंकि मुझे तकरीबन 80% था कि भाई दरख्त के पीछे होगा। और खैर, ये बंदा नोक भी हो जाता है मजे की बात। तो मैंने यहाँ पे इन लोगों को फिनिश भी करवा देता हूँ। इनका जो लास्ट बंदा होता है वो पावर प्लांट के अंदर होता है, तो जिसको ना कोई और स्क्वाड मार देता है, चेक करो उसी के साथ ये स्क्वाड हो जाता है वाइप। अभी ना यार, यहाँ पे सीन चेक करो, मुझे पता ही नहीं होता भाई यहाँ पे कोई बंदे शंदे भी बैठे हुए हैं। आपको मैंने दो नोक कर दिए, तीसरा पता नहीं कहाँ से निकल आया यार। मतलब कुछ भी चल रहा है यार पाकिस्तानी, स्क्वाड वाइप तो मिस होता ही होता है, मेरे तरह वखरे निकल जाते हैं भाई साहब। मतलब कोई यार देखा करो यार, कोई कमज़ोर दिल का बंदा भी होता है यार। फिलहाल ना यहाँ पे आपका भाई एक बंदे को डाउन करता है, मैंने यहाँ पे हेल्थ मारा तो इतनी देर में इसका पूरा स्क्वाड पुश दे देता है यार मेरे ऊपर, वखरी बात। और इसके मज़े की बात, यहाँ पे एक और स्क्वाड आ जाता है जो कि इनके ऊपर पुश दे देता है। तो खैर, आपका भाई यहाँ पे ना हेल्थ हेल्थ मारता है, इतनी देर में वो बाहर वाले बंदे ना पता नहीं एक दूसरे को मारना शुरू हो जाते हैं। इतनी देर में मेरे किल भी मुझे मिल जाते हैं और फ्री के किल भी वखरे मुझे मिल जाते हैं। भाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन बंदों ने ना एक काम अच्छा किया, जो कि मुझे MG3 दे जाते हैं। अभी ना आपका भाई क्या करता है, सामने मेरा टीममेट मार्क देता है कि यहाँ पे ना पूरा स्क्वाड है। तो आपका भाई ना ये पावर यूज़ करके यहाँ पे आ जाता है। अभी जो ये बंदे होते हैं ना, वो एस्केप करते हैं, मतलब जोन की तरफ भाग रहे होते हैं। तो आपका भाई क्या करता है, आपका भाई जोन के बाहर आकर उनको मार रहा होता है और वो जोन के अंदर भाग रहे हैं। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। खैर, यहाँ पे एक बंदे को डाउन किया, दूसरा बंदा इस घर के अंदर होता है। तो आपका भाई जल्दी से ऊपर जाता है, इसके हाथ में भी MG होती, मेरे हाथ में भी। खैर, ये बेचारा ना जोन से शायद थोड़ा डैमेज होता है, तो आपको भाई हेडशॉट पेल देता है। अभी ना एक बंदा इस घर में आ जाता है, दो बंदे इस घर में होते हैं, दो को मैं मार चुका हूँ, जो कि ना जोन के साथ साथ फिनिश होते जाते हैं, आपका भाई को किल मतलब कन्फर्म हो जाते हैं आपके भाई के। खैर, तीसरा बंदा ये रहा। अभी चौथा बंदा जो होता है ना, वो क्या करता है, वो ना मेरे टीममेट को नॉक करता है। खैर, मैं यहाँ पे गोलियां शोलियां चलाता हूँ कि ना भाई फिनिश ना करी ना करी, लेकिन वो पता नहीं क्या यार सोच होती है, वो फिनिश कर ही जाता है मेरे टीममेट को। तो आपका भाई क्या करता है, सीधा पुश देता है इस बंदे के ऊपर। खैर, यहाँ पे बैठा होता तो इसको एक हेड लगता है, ये भी मर जाता है। तो स्कोर भी आपके भाई का हो जाता है डन। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। यहाँ मैं गाड़ी टोकता हूँ, एक बंदा सामने होता, तो खैर पीछे से भी एक बंदा आ जाता है। मैंने सामने वाले को डैमेज दिया, इसने भी काफ़ी अच्छा डैमेज दिया, पीछे से पड़ जाती है। जल्दी से पीछे भागता हूँ, इसको मैंने डैमेज देने की ट्राई की, खैर वो भी डर जाता है, मेरी तो फट जाती है भाई, जो सच्ची बात है। आपका भाई भला क्या करता है, आपका भाई यहाँ मेरा हेल्थ हेल्थ मारा होता है, पीछे से एक और बंदा आ जाता है भाई, मतलब कि मेरी तो भाई फुल हैवी वाली फट जाती है। तो आपका भाई भला क्या करता है, यहाँ से ना अपनी पावर इस्तेमाल करता है, मैं जल्दी से यहाँ निकलने की करता हूँ कि यार निकलो। मैं इस बंदे पर पूछ देने आता हूँ कि यार चलो इस बंदे पर पूछ देते हैं, लेकिन ना ये बंदा सामने की तरफ भाग जाता है, जो कि अच्छी बात है, चलो हेल्थ लगाने का मौका मिल जाता है। अभी ना आपका भाई सीधा पूछ
पुश करेगा, एक बंदे को मैंने डाउन किया, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। इसके जो दो बंदे होते हैं वो पीछे होते हैं, और मे भी इनके पास रिकॉल है, ये पूरा स्क्वाड होता है यहाँ पे, आई डोंट नो ये पूरा स्क्वाड था या मतलब अलग अलग बंदे होते हैं। तो आपका भाई फिलहाल यहाँ पे इनको मारता है। ये बंदा जो होता है जिसको अभी नो किया पैंथर भाई, ये इसका स्क्वाड होता है सामने की तरफ। तो खैर यहाँ पे इस भाई को भी मैंने फिनिश कर दिया। अभी दो बंदे इस भाई के सामने होते हैं, तो आपका भाई जल्दी से ऊपर जाकर ना पोजीशन पकड़ता है। इतनी देर में मुझे एक बंदा नजर आ जाता है जो कि सामने बैठा होता है और नेट मेरा मस्तियाँ कर रहा होता है। तो एक बंदे का भाई डन किया, इसको मैं फिनिश करवाने के चक्कर में ना ये बंदा मुझे नजर आ जाता है, तो मैंने कहा भाई क्यों ना दोनों को इकट्ठा ही फिनिश कर दिया जाए। तो आपका भाई ग्रेनेड ट्राई करता है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है, मतलब ये थोड़ा डैमेज हुआ होगा लेकिन ना फिनिश नहीं होता। तो डैमेज हुआ है तो मतलब कि आपका भाई क्या करता है, सीधा फिनिश कर देता। अभी आपने चेक किया होगा मेरे साथ एक बंदा नोक पड़ा हुआ था, जिसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता भाई, ये जेन्युइन बात, जब गेम खेला था बिल्कुल नहीं पता चला। खैर वो किल तो आपके भाई से मिस हो जाता है और यहाँ पे स्कोर डाइप हो जाता है आपके भाई का। अभी लगे आदमी है ना, आपको रिवेंज दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ लूट करता करता, ये बंदा ना बाहर बैठा नजर आता है मुझे। खैर ये इसने अच्छा खासा डैमेज दिया मुझे, लेकिन इसका टीममेट कैंपिंग करके ना बाहर से मार जाता है और मेरा रिकॉल पड़ा होता है। तो आपका भाई क्या करता है, सीधा यहाँ पे लैंड होता है इन बंदों का ना, चुटकियों में, लिटरली चुटकियों में इन बंदों को वाइप कर जाता है। दो ही बंदे होते हैं, दोनों को मैं लोबी भेज देता हूँ। खैर आते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ, यहाँ पे ना ये तीन बंदे होते हैं। मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, इन्होंने ना मेरे सारे टीममेट, तीन के तीन टीममेट को इन्होंने मारा होता है तीन बंदों ने। तो आप लगा लो यार कितने अच्छे प्लेयर होते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। और ये लोबी भी की आम लोबी नहीं है भाई, सब एस डोमिनेटर होने वाला है, मेरे कोई थोड़े बहुत पॉइंट रह गए, मतलब एस मास्टर की लोबी काफ़ी अच्छी लोबी है यार, आप लोग अंदाजा लगा लो। इसमें स्कोरअप करना नॉट इजी ब्रदर, नॉट इजी। खैर यहाँ पे दो बंदों को तो डाउन कर लिया, तीसरा बंदा अंदर से पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन इसको भी हमें पकड़ लेते हैं। तो इसी के साथ स्कोरअप आपके भाई का हो जाता है डन। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।